नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इसमें देखोगे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और एक्स माइनस वन उनका एक फैक्टर ये भी दे रखा है। फर्स्ट में पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के एंड एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर फैक्टर ऑफ पी एक्स। सो एक्स माइनस वन इक्वल जीरो एक्स इक्वल वन दैट इज एट एक्स इक्वल वन रिमाइंडर विल बी जीरो रिमाइंडर पी वन इक्वल जीरो। सो देन पी वन इक्वल वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के यहाँ जीरो रख दोगे आप तो जीरो इक्वल टू प्लस के एंड टू की इधर लाओगे के इक्वल माइनस टू ये आंसर आ गया। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू फिर वही रखोगे सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सो एक्स एट एक्स इक्वल वन पी वन इक्वल जीरो सो पी वन इक्वल टू इंटू वन स्क्वायर के इंटू वन प्लस रूट टू जीरो इक्वल टू प्लस के प्लस रूट टू या लिखते हो टू प्लस रूट टू प्लस के इक्वल जीरो के इक्वल माइनस टू प्लस रूट टू। इन सारे को इस साइड लाओगे एक साथ तो नेगेटिव हो जाएंगे नेगेटिव को कॉमन ले लेना। सो दिस विल बी वैल्यू ऑफ के। द नेक्स्ट पी एक्स इज के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर फैक्टर ऑफ पी एक्स। सो एट एक्स इक्वल वन पी वन इक्वल जीरो सो पी वन इक्वल के वन स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन सॉल्व इट दिस विल बी के दिस विल बी माइनस रूट टू वन। इसको इस साइड लाओगे तो उसको ऐसे लिख सकते हो रूट टू माइनस वन इक्वल के और यू कैन राइट के इक्वल रूट टू माइनस वन दिस इज वैल्यू ऑफ के। सिमिलरली फोर्थ पार्ट पी एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के सॉल्व इट एट एक्स इक्वल वन यू विल गेट के वन स्क्वायर माइनस थ्री वन सॉल्व इट हियर यू विल पुट जीरो के माइनस थ्री प्लस के इस तो के प्लस के इधर हो जाएगा टू के माइनस थ्री टू के माइनस थ्री इक्वल जीरो सो टू के इक्वल थ्री बाई टू। सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू फैक्टराइज कर लो। इसमें आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। फैक्टराइज के लिए पहले इस वाली वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई करते हो 12 आ गया तो 12 का फैक्टर करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो ये सारे वैल्यूज हैं इनसे एक ऐसा पेयर बनाओगे जिसका प्लस या माइनस करके 7 आ जाए। देखो 2 या 4 और 3 लोगे तो इसको स्प्लिट कर दो 4 और 3 में देन यू विल गेट 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। नाउ मेक पेयर एंड टेक कॉमन 3x कॉमन लोगे यहाँ 4x माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1 से माइनस 1 बिकॉज आपने माइनस कॉमन लिया है।
ऐसी वैल्यू कॉमन लो कि ब्रैकेट में सेम ही चीज मिल जाए आपको, देन हियर 4x माइनस 1 एंड इधर 3x माइनस 1, सो दिस विल बी योर आंसर. सेकेंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 3 सॉरी 3 इंटू 2 6 आ गया, तो 2x स्क्वायर यहाँ 6 आ गया यहाँ 7 है, तो इसको स्प्लिट करोगे 6x और x में, बिकॉज 6 वन जा 6 इसके मल्टीप्लाई के इक्वल आ गया और 6 को 1 में ऐड करोगे तो 7 के इक्वल आ गया. यानी ऐसा पेयर बनाओगे जिसका मल्टीप्लाई तो इसके मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए और प्लस या माइनस करके इसके इक्वल आ जाए. देखो तो 6 और 1 को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, तो दिस विल बी नाउ टेक 2x कॉमन x प्लस 3. यहाँ देखो कुछ कुछ वैल्यू कॉमन नहीं दिख रही है तो 1 कॉमन ले लेंगे. अगेन टेक x प्लस 1 कॉमन x प्लस 3 कॉमन, देन यू विल गेट 2x प्लस 1 2x प्लस 1, सो दिस इज योर आंसर. थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 36 आ गया, 36 का फैक्टर करोगे 2 से 18 2 से 9 3. अभी देखो यहाँ पे 5 लाना है, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा. 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, तो इसमें कॉमन ले लो 3x, देन यू विल गेट 2x प्लस 3, हियर टेक 2, तो 2x प्लस 3 अगेन. नाउ 2x प्लस 3 को कॉमन ले लो, देन यू विल गेट 3x माइनस 2 3x माइनस 2, तो दिस विल बी योर आंसर. नाउ लुक एट लास्ट वन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो 4 3 या 12 और 4 माइनस 3 इक्वल 1, तो इसका इजीली बन गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि 4 3 का पेयर बनाया तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा. यहाँ पे क्या कॉमन है, x 3x माइनस 4, यहाँ क्या कॉमन है, कुछ नहीं दिख रहा है, 1 कॉमन ले लोगे क्योंकि 1 सभी का फैक्टर है, तो ये 3x माइनस 4 बाहर लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचा यहाँ पे 1 बचा, सो दिस विल बी योर आंसर. नाउ फिफ्थ पार्ट देखो, फर्स्ट में हियर यू हैव टू आल्सो फैक्टराइज ऑफ दिस these polynomials. First one, x cube minus 2x square minus x plus 2. तो अभी देखो यहाँ कॉमन लेके भी पेयर बना के हो सकता है यहाँ पे, तो इसको डायरेक्ट लेके कर सकते हो, लेकिन इसका लॉन्ग मेथड भी है, अगर चाहो तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो. यहाँ x square कॉमन है तो x minus 2, यहाँ minus 1 कॉमन है तो x minus 2, then here x minus 2 x square minus 1 x माइनस 2 एंड हियर x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. तो आइडेंटिटी जानते हो आप कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1 और x प्लस 1, सो दिस विल बी योर आंसर. फिर से देख लो इसको, 3 पावर का है तो इसमें देखो मैंने दो इन दोनों का पेयर बनाया, फर्स्ट टू को पहले ले लिया लास्ट टू को बाद में लिया, इसमें हमने देखा कि कुछ कॉमन लेने के बाद ये सेम चीज वैल्यू आ जा रही है कि नहीं दोनों ब्रैकेट में. जब यहाँ हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स बचा और यहाँ पे टू बचा, देन इट विल बी एक्स माइनस टू. यहाँ कोई वैल्यू कॉमन दिख नहीं रही तो वन सभी वैल्यू का सभी टर्म्स का फैक्टर होता है, यहाँ पे माइनस वन ले लोगे बिकॉज यहाँ माइनस है, और माइनस वन लेने के बाद इन ब्रैकेट में सेम ही चीज़ मिल जाएगी आपको. माइनस वन लोगे तो ये माइनस डिवाइड करोगे माइनस में प्लस हो जाएगा, और माइनस से वन टू में डिवाइड करोगे तो माइनस टू हो जाएगा. अभी यहाँ भी सेम वैल्यू मिल गई आपको, एक्स माइनस टू यहाँ भी है एक्स माइनस टू यहाँ भी है. अब इसमें से एक्स माइनस टू को बाहर निकालोगे
यहाँ एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पे माइनस वन बचा, तो ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हो, वन को लिख सकते हो वन स्क्वायर, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और एक्स माइनस टू ऑलरेडी है यहाँ पे, सो दिस विल बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आप पहले इसे ध्यान से समझ लो, उसके बाद फिर सारा काम कर लेना।